मेरा नाम भरत भगत, मैं बिहार के रहने वाला। जब मेरा 12 साल की उम्र था तो मैंने बिहार से दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आने के बाद में फिर हमने बहुत परेशानी झेले। जिस तरह से हमने नौकरी किए, नौकरी करने के बाद में 300 रुपये महीना पे नौकरी किए। जब से हमने दुकान लगाया 32 साल हो गया मुझे, 92 से 32 साल हो रहा। तो इसमें क्या है कि पुलिस और MCD का, तो जब से मैं दुकान लगाया तब से परेशानी बढ़ते गया। तो इस परेशानी जो बढ़ रहे हैं ना, इस परेशानी को हल नहीं निकल रहे। तो अभी जो है इस MCD का हो, पुलिस का हो, ये हम लोग को जो है दिन रात हमेशा परेशानी कर रहे हैं। कभी दुकान हटो, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, जबकि हमारे पास सब कुछ है। PM स्वनिधि का हमारे पास ये भी मिले हैं, प्रधानमंत्री का, इनके अभी वैल्यू नहीं देते। कह रहे इनका कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं MCD वाले कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो कूड़े हैं, इनको कूड़े में डाल दो, ऐसे बोलते हैं। हमारी नहीं, पूरी जगह वेंडरों की हर जगह यही हाल है। हमारे तो डेली का आकर को कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से हटो दुकान। अब हम जाए से जाए कहाँ, इसी दुकान से हमने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा सब कुछ हम इसी से कर रहे हैं। 2/4/2023 में हमारे चलान कटा था, तो उसमें तो MCD के अधिकारी कहते कि तुम्हारे पास सफाई नहीं है, कोई ना कोई बहाना आकर के उसने चलान कर दिया। चलान कितना कटा हमारा? 4000 का। बोला तुम्हें 4000 की चलान तुम्हें भरना पड़ेगा। मैंने बोला कि भाई हमारे पास साफ सफाई भी है, पीएम सोनी के हमारे पास ये भी लगे हुए हैं। तो कह रहे कि ना इनका कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हारा ये चलान तुम्हें काटना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मंथली जो है चुपचाप जो अपने आपस में बात करके तो इसी तरह से अपना काम करना है, तबे नहीं तो हर महीने में 2 चलान हुआ आकर को काट देते। तो उनके बाद में चलान काट को चला गया। जब मुझे चलान काटा ना, तो मैंने जब 4000 के उसने बोला चलान भरना पड़ेगा, तो मैंने चलान लेकर गया कोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, PM स्वनिधि का जो हमारे पास जो लोन मिला था वो भी लिए, तो इनका भी मैं फ़ोटो कॉपी लेकर को गए। तो जब उन्हें मैंने दिखाया तो बोला कि जज साहब ने कि 4000 आपको भरना ही पड़ेगा, इसमें कोई इसमें राय नहीं है। तो मैंने कहा कि कैसे मैं 4000 रुपये कहाँ से लाऊँ, कैसे भरूँगा? तो मैंने किसी से जो यहाँ पे पढ़ी, अब मैंने किसी से मैंने बात किया भाई 4000 रुपया कैसे भरा जाए, किसी से मदद मिल जाए। तो किसी ने बोला कि जीविका ऐप का जो है उनसे आप बात कर लो, तो आपको वो सहारा कर सकता है, सहायता करेगा। जब हमारे जब चलान हुआ था 4000 का, जब जीविका का जब टीम आया यहाँ पे, तो जब वकील जब दिया ना, तो वकील जब वहाँ पे गए हमने जज के पास, तो बहुत देर से बहस हुई वकील साहब से। वकील साहब से जब बहस हुई, दो से तीन चार घंटे तक बहस होने हुआ। तो 4000 से कम का बोले चलान नहीं भरा जाएगा। तो जज साहब ने बोला कि जैसे करना करो, 4000 से कम नहीं भरेगा। तो वकील साहब ने फिर बहुत उनसे बोलने के बाद में, कानून के बारे में बताने के बाद में, फिर उन्हें बदल करके जज साहब ने 300 रुपये का जो है हमारे चलान दिया।